ಜಲ ಜಲ ಪ್ರವಾಹ ಪಾವಿತಸ್ತರೇ ಖಲೇವಲಂಬ್ಯ ಲಂಬಿತಾಂಬುಜಂಗ ಕಾಲಿಕಾಂಗ ಮಟ್ಟ 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 ಮನ್ಮಿಲಾದ ಮಟ್ಟ ಮರ್ವಯುಂಚಕಾರ ಚಂಡ ತಾಂಡವಂ ತರೋತು ನ ಶಿವ ಶಿವ वेलकम बैक टू माय चैनल विफिट फिटनेस फर्स्ट। मैं हूं भीम निगलटिया और आज आपके लेके आए हूं एक नई वीडियो जिसमें हम बैक की एक्सरसाइज करेंगे। गाइस, बैक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मसल होता है। जैसे हम जिम जाते हैं नए नए, तो हम ज़्यादातर अपने चेस्ट पे ध्यान देते हैं, बाइसेप पे ध्यान देते हैं, एब्स पे ध्यान देते हैं, लेकिन अपने अपनी बैक को ट्रेन नहीं करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं बैक तो दिखनी है नहीं, तो हम अपनी बैक को भूल जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी बैक रेगुलर बेसिस पर ट्रेन करनी है, जैसे हम अपने चेस्ट और बाइसेप और पार्ट्स ट्रेन करते हैं, क्योंकि बैक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है। आप कुछ भी चीज़ पुल कर रहे हो, अगर आपकी बैक स्ट्रांग नहीं है तो आप उसे पुल नहीं कर पाओगे। तो बैक की एक्सरसाइज जरूर करें, और आज की ही वीडियो में मैं आपको ऐसे चार एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपकी बैक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और आपकी बैक का साइज भी बिग हो जाएगा। तो गाइस, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम चिनअप करेंगे और इसे हम अपने एक्सरसाइज में इंक्लूड नहीं करेंगे, ये हम एज अ वॉक करेंगे। जिस दिन भी आपकी बैक की एक्सरसाइज होती है, इस दिन आप इसे चिनअप को आपको जरूर करना है, और आप चिनअप अपने रेगुलर बेसिस पे भी वॉक में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चिनअप बैक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसी से आपका जो वी शेप है वो बहुत अच्छा आता है। तो चिनअप को स्किप ना करें, इसे रेगुलर बेसिस पे करें, और इसके हम दो सेट करते हैं, और जितना आपसे हो सके उतने रेस्ट करिए इसमें। अगर आप चिनअप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड का सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमारा चिनअप पूरा होता है, इसके ऐसे आपको दो सेट करने हैं। तो चलिए अब अपनी बैक की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जो हमारी चार एक्सरसाइज हैं बिगर बैक की। तो गाइस, हमारी बैक की सबसे पहली एक्सरसाइज है क्लोज ग्रिप लेग पुल डाउन। इसके हमें तीन सेट करने हैं, 15x10 सेट। तो चलिए करते हैं। क्लोज ग्रिप करती है इसमें आपको। तो गैस, यहाँ पर हाँ पहला से पूरा होता है, ऐसे आपको इसके तीन सेट करने हैं। और गैस, आपको एक्सरसाइज ज़्यादा फास्ट नहीं करनी है, जितना स्लो करोगे उतना मसल में अच्छा प्रेशर आएगा। और जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ एक्सरसाइज के बाद, तो स्ट्रेचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी स्ट्रेचिंग भी आप करेंगे। गाइस, आप कितनी भी एक्सरसाइज कर ले, अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं तो आपकी मसल बिल्डिंग हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और गाइस, एक चीज़ और, आप कहीं भी जिम जाते हैं तो अपने साथ एक टॉवल लेके जाएं, क्योंकि जो भी आप स्टेशन यूज़ करते हैं अगर उससे पसीना छूट जाता है तो उससे अच्छे से वाइप कर लें, और आपके लिए बहुत हेल्दी भी रहेगा। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। तो गाइस, हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है बैक की स्ट्रेट आर्म पुल डाउन, जिसके लिए आपको तीन सेट करने हैं, 15x10 के। तो चलिए करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है, देर सेट कंप्लीट होता है, स्ट्रेचिंग करनी है आपको, ऐसे मैंने आपको बताई थी। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं।
तो गाइस हमारे थर्ड एक्सरसाइज है रैक पुल, इसके भी हमें 3 सेट करने हैं, जो 15x10 के रैप करने हैं। तो चलिए पहले सेट करते हैं। तो गाइस हमारी यहाँ पर लास्ट एक्सरसाइज पूरी होती है, और जैसे मैंने आपको बताया था हर एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आई होप ये वर्कआउट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो गाइस तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी, बाय बाय।